हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सेंटीमेंटल कॉमेडी। हमने इससे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम सेंटीमेंटल कॉमेडी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉमेडी के टाइप्स हैं। ओके, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी देयर स्टार्टेड अ न्यू टेंडेंसी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पैथेटिक एंड पिटीफुल सीन्स इन ड्रामा इन प्लेस ऑफ डीड्स ऑफ पैशन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। We find that some superficial emotions is excreted and we constantly find long passages full of bombastic words which can hardly be taken as serious and so they can't be believed. Now the main subject matter of tragedy is love. In the Elizabethan tragedy, the three protagonist was a man. As the emphasis is now laid on pity and emotions, it went in favor of female characters. In other words, now the principal characters of tragedy is a female in the place of men. These females dominated tragedies are called she tragedies. As the three tragedies of Banks and Roy. In the beginning of the 18th century, she tragedy along with the pseudo-classical tragedy dominated the stages. सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नाटक में करुणापूर्ण एवं दयापूर्ण दृश्य दिखाने की नई प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। शेक्सपियर ट्रेजिडी में भावनापूर्ण कार्यों के स्थान पर हम देखते हैं कि कुछ सतही भावनाओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है और उसमें लंबे अवतरण शब्दांबर से भरे हुए हैं, जिनको मुश्किल से ही गंभीरता से समझा जा सकता है, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। अब ट्रेजिडी की विषय सामग्री प्रेम हो गई है। एलिजाबेथन ट्रेजिडी में मुख्य चरित्र पुरुष था, क्योंकि अव्वल दया तथा भावना पर दिया जाने लगा, अब जोर महिला चरित्रों पर दिया जाने लगा। दूसरे शब्दों में ट्रेजिडी का मुख्य चरित्र महिला है। महिला प्रधान ट्रेजिडी शी ट्रेजिडी कहलाती है, जैसे कि बैंक्स ऑफ रॉय की रचनाएं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में शी ट्रेजिडी के साथ नव क्लासिकल ट्रेजिडी मंच पर भी छाई रही। एज द ईयर पास्ड बाय द सेंटीमेंट एंड पैथोज एंटर द रियलम ऑफ कॉमेडी टू एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स देयर कम इनटू फैशन अ न्यू काइंड ऑफ कॉमेडी दैट मे लूजली बी कॉल्ड द सेंटीमेंटल कॉमेडी। The comedy of manners had declined and lost its force and appeal and then it vanished and its place was taken by sentimental comedy. To some extent, it is right to say that the sentimental comedy came as a reaction to the comedy of manners. In place of wit and dialogues, there are found the expression of moral sentiment and the presentation of humanitarian views and the encouragement of pity for the affected. No doubt, the new comedy killed the true comic spirit, but it opened out the way to several new possibilities, and so in a way, it may be taken as the canvassers of the modern drama. देखिए, निकोल कहते हैं, वी मे रिग्रेट दैट देयर कुड नेवर अपियर अनदर इथर्ज और अनदर कॉनग्रीव ब्लिसफुली इग्नोरेंट ऑफ एनी मोरल ऑब्लिगेशन, बट वी मस्ट एट द सेम टाइम एडमिट दैट द न्यू ह्यूमैनिटेरियन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स द इंडिवियर टू मेक द थिएटर एक्सप्रेस इन इट्स ओन वे द मैनी सोशल इशूज कन्फ्रंटिंग द मेम्बर्स ऑफ द ऑडियंस वर एन इनविटेबल रिएक्शंस टू वॉट हैड गॉन बिफोर विद कनग्रीव द मूविंग पावर ऑफ द ओल्ड कॉमेडी इन रीचिंग इट्स कल्मिनेशंस हैड वैनिश्ड वाइल द सीरियस ड्रामा हीरोइक एंड अदर had what little to offer to the public which might be related to their own lives. The middle class spectators wished to see their interest reflected on the stage in the tragedies. They found an alien and artificial realism which did not have even the merit of excitement, and in the comedies they moved
in easily. Amid scenes of gallantry which inwardly they attended to condemn, what they sought for, what the sentimental dramatists gave them, was an intermediate kind of play in which occasional comic scenes alternated with others in which serious, if facile, comments were made on the world around them. जैसे जैसे समय बीतता गया, भाव तथा करुणा ने कॉमेडी के क्षेत्र में प्रवेश किया और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के स्थान पर एक नई कॉमेडी प्रचलन में आई, जिसे सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का पतन हो गया और उसने अपनी शक्ति और आकर्षण को खो दिया और फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स लुप्त हो गई। उसके स्थान को सेंटिमेंटल कॉमेडी ने उसका स्थान ले लिया। किसी हद तक ये कहना सही है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। डायलॉग्स का स्थान नैतिक भाव मानवतावादी विचारों की प्रस्तुतिकरण ने ले लिया और पीड़ितों के प्रति दया दर्शाई जाने लगी। निसंदेह नई कॉमेडी ने वास्तविक हास्य भावना की हत्या कर दी, परंतु इसमें बहुत सी नई संभावनाओं का रास्ता खोल दिया गया। इस प्रकार इसको आधुनिक नाटक का पूर्वज कहा जा सकता है। निकोल कहते हैं, हम खेत प्रकार कर सकते हैं कोई अन्य थर्ज या दूसरा कॉन्ग्रीव उत्पन्न नहीं हो सका जो नैतिक दायित्वों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, परंतु उसके साथ ही हमें यह भी स्वीकारना होगा कि नव मानवतावाद सामाजिक समस्याओं की मान्यता नाटक का दर्शक से संबंधित सामाजिक समस्याओं को अपने तरीके से ही प्रस्तुतिकरण, ये सब पहले ही कॉमेडी जैसे जिसका मुखिया कॉनग्रीव था के प्रति अटलनीय प्रतिक्रिया था, कॉनग्रीव के साथ पुरानी कॉमेडी को प्रभावित करने वाली शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर लुप्त हो चुकी थी। जबकि गंभीर नाटक हीरोइन अन्य प्रकार के नाटकों के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था जो उनके जीवन से संबंधित हो, मध्यवर्गीय दर्शक अपनी रुचि की बातें मंच पर प्रतिबिंबित होते देखना चाहते थे। दुखान नाटकों में भी ऐसी कृत्रिम घटनाएं पाते थे जिनमें उत्तेजना का भी गुण नहीं था और कॉमेडीज में वो ऐसे दृश्य देखते थे जिनको वो प्रदर्शना करते थे जो वो चाहते थे और उनको सेंटिमेंटलिस्ट नाटककार देते थे। वह एक औसत दर्जे का नाटक था जिनमें बारी बारी से कॉमिक दृश्य दिखाए जाते थे जिनमें गंभीर परंतु सरल टिप्पणियां उनके चारों ओर के संसार पर की जाती थी। मेन फीचर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। दिस द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी इज दैट देयर इज अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉमेडी। ह्यूमर इम्पार्ट्स लाइफ फोर्स टू द कॉमेडी एंड द राइटर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी ड्रॉ इट आउट फ्रॉम इट। ह्यूमर एंड ह्यूमरस सिचुएशंस वर रिप्लेस्ड बाय पैथेटिक सिचुएशंस। सेकेंडली, द राइटर ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी चूज देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम अमंग मिडिल क्लास एंड कैरेक्टर्स दे इंट्रोड्यूस्ड इन देयर प्लेज बर ऑफ वेरी सीरियस नेचर। They were virtuous men free from vices. Thirdly, the dramatist sought to the eulogist's virtue and condemned vice. The sentimental comedies were really moral comedies and sense of morality governed them from the beginning to the end. The dramatist wanted to propagate something moral and pathetic and something edifying and genial. It was an agreeable dramatic sermon with happy ending. Its dialogues lit the ट्रेंचने एंड स्पार्कलिंग क्वालिटी ऑफ द डायलॉग्स ऑफ कॉन्क्रीव एंड हिथर। सेंटिमेंटल कॉमेडी रिमेंड पॉपुलर फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी एंड इट ड्रॉ आउट रियल कॉमेडी फॉर द स्टेज। सेंटिमेंटल कॉमेडी की प्रथम विशेषता यह थी कि उसमें सच्ची हास्य भावना का पूर्ण रूप से विलोप था। परिहास कॉमेडी को जीवन शक्ति प्रदान करता और सेंटिमेंटल कॉमेडी के लेखकों ने इसे कॉमेडी से बाहर कर दिया था। परिहास तथा परिहासपूर्ण स्थिति के स्थान पर करुणा भरी स्थिति प्रस्तुत की गई थी। सेंटिमेंटल कॉमेडी के लेखक अपने चरित्र मध्यवर्ग से चुनते थे और जिन चरित्रों कैरेक्टर्स को वो दर्शाते थे वे बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते थे। वो गुड़ी लोग थे जो बुराइयों से मुक्त थे। वास्तविकतम सेंटिमेंटल कॉमेडीज नैतिक कॉमेडीज था और नैतिकता की भावना उनमें आरंभ से अंत तक छाई रहती थी। नाटककार कोई नैतिक तथा करुणापूर्वक कुछ आध्यात्मिक स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ये एक रुचिकर नाटक था जिसका अंत सुखद होता था। इसमें डायलॉग्स कॉन्क्रीट के डायलॉग्स का तीखापन व चमक नहीं थी। सेंटिमेंटल कॉमेडी लगभग आधी शताब्दी तक लोकप्रिय रही और उसने वास्तविक कॉमेडी के मंच को बाहर कर दिया था। इसमें वास्तविक मनोरंजन के स्थान पर नैतिक पाठ भावोद्दीपक वस्तुएं थी। हमें हंसी दिलाने के स्थान पर यह रुलाती थी तथा आंसू लाती थी। इनमें परिहास तथा बागचात्रों की भी कमी थी। Instead of evoking our laughter, it made us weep and shed tears. It appealed to the emotions of pity and sympathy.
एंड लेट हिम नॉट बीट इट वॉज सीरियस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड एंड वॉज कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ. It was full of improbable and unnatural situations and avoided all that were low and vulgar. Its characters were not real men and women but caricature invented by the dramatist. It was completely devoid of the keen observations and realistic touches which had always brightened earlier comedy. Hazlitt rightly commented on the sentimental comedy. It is almost a misnomer to call the comedies, they are rather homilies in dialogues. दया के भाव सहानुभूति की भावना को प्रेरित करती थी. यह आरंभ समय तक गंभीर थी, जीवन की वास्तविकता से पूर्ण रूप से दूर थी. यह असंभव अप्राकृतिक स्थितियों से परिपूर्ण थी और बड़ी सावधानी से उसे सबको अवॉइड करती थी जो अशिष्ट और असभ्य था. इसके करैक्टर्स वास्तविक स्त्री पुरुष नहीं थे, वरन ऐसे कंगाल थे जिनका आविष्कार नाटककार ने किया था. यह पूर्ण रूप से बिना किसी तीव्र अवलोकन एवं वास्तविक स्पर्शों के थी जिन्हें पूर्व की कॉमेडीज को चमकाया गया था. हेजलिट ने सेंटिमेंटल कॉमेडी पर ठीक टिप्पणी की, इन कॉमेडीज को कॉमेडीज कहना उपयुक्त नहीं है. इनके डायलॉग्स भी होमली जैसे अच्छे सलाह देने वाले नहीं थे. इनके कुछ राइटर थे कॉली किवर, रिचर्ड स्टीली, हु केली एंड रिचर्ड कम्बरलैंड जो कि सेंटिमेंटल कॉमेडी के मेन राइटर्स रहे हैं, जिन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखी है.